नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका सरकारी जॉब संगम यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी कि क्लास 10th और 12th 2024 का रिजल्ट आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको रिजल्ट चेक करने का पूरा प्रोसेस बताएंगे और साथ ही हम आपको एक ऐसी वेबसाइट का भी नाम बताएंगे जहाँ से कि आप अपना रिजल्ट बिना किसी सर्वर प्रॉब्लम के सबसे पहले चेक कर सकते हो। तो कैसे चेक करना है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड 2024 का रिजल्ट सबसे पहले देखने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल खोलना है। सर्च बार में आपको यहां पे टाइप करना है सरकारी संगम। ठीक, इस तरह से आप लिखेंगे सरकारी, फिर स्पेस दे देंगे, उसके बाद लिख देंगे संगम। ठीक, यहां पे देख सकते हैं ऊपर मैंने लिख दिया सरकारी, स्पेस दे के लिख दिया संगम। ठीक, इतना करने के बाद में आपको सर्च कराना है। सर्च कराएंगे आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा। यहाँ पे ऊपर ही देख सकते हैं दिया है जहाँ पे सरकारीsangam.com। तो आपको क्या करना है, इसी फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो www.sarkarisangam.com की जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगा यूपी बोर्ड 10th 12th रिजल्ट। यहाँ देखें तो आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक, क्लिक कर दिए, उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, स्क्रॉल करना है, नीचे जाना है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको 10वीं का चेक करना है तो आपको इस वाले क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको 12वीं का यानी कि इंटर का चेक करना है तो इस वाले क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक, तो मान लीजिए हमें 10वीं का देखना है तो हम इसके सामने जो क्लिक हेयर है इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया है हाई स्कूल यानी कि 10th एग्जामिनेशन रिजल्ट। ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है कि इसके ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जिला सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जो भी आपका जिला है इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे भी देख सकते हैं 2023 है, लेकिन जैसे 2024 वाला लिंक एक्टिव होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी 2024 लिखा रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद में यहाँ पे इस वाले में एंटर योर 10 डिजिट रोल नंबर में आपको अपना रोल नंबर जो है प्रवेश पत्र से डाल के डाल देना है यानी कि देख के। उसके बाद में व्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रोल नंबर भी डाल दिया। अब मैं व्यू रिजल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। व्यू रिजल्ट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो आपका रिजल्ट है यहाँ पे देख सकते हैं हाई स्कूल यानी कि 10th एग्जामिनेशन रिजल्ट आपके सामने खुल के आ जाएगा। ठीक, स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट की डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी, जैसे कि उसका रोल नंबर और कैंडिडेट का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, साथ ही डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्क्स की डिटेल यानी कि किस सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क मिला हुआ है। यहाँ पे टोटल आप जो है चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मार्क दिए गए हैं। नीचे जाएंगे रिजल्ट उनका वो पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं, यहाँ पे इस तरह से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको यूपी बोर्ड 2024 का रिजल्ट चेक करना है।